हाँ तो मिस चांद तारा। आई एम सॉरी मिस तारा, तो मैं कह रहा था कि रहने दीजिए। डॉक्टर आई थिंक वी शुड बी फ्रैंक, साफ साफ बात कीजिए जी। कहिए ना, क्या बात है? मिस तारा जयसिंह, मैं आपको एक मामले के बारे में होशियार कर दूं। आप देवदास के सामने कभी पैसों का या फीस का जिक्र मत करना प्लीज। मैं समझी नहीं। देखिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रही हैं। एक लड़की से धोखा खाकर देवदास का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ गया है। उसकी कुछ इस तरह की फीलिंग हो गई है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक गीत याद आ गया, शायद सुना हो। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर चला। अब अगर दूसरी लड़की ने उसके ऊपर 3 लाख का, 5 लाख का एहसान रख दिया तो उस एहसान के नीचे तो वो कुचल जाएगा। हो सकता है मारे कॉम्प्लेक्स के बेचारे का धड़ बेकार हो जाए और सर भी हिलाने के काबिल न रहे। हर सर से पांव तक सिर्फ एक टैचू बन जाए। टैचू? ओह माय गॉड, नहीं नहीं डॉक्टर चली बेटी, मैं उसके सामने कभी पैसे का नाम भी नहीं लूंगी। वेरी गुड 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 गुड। हेलो तारा। हेलो देवदास, मगर तुमने ये घंटी कैसे बजाई? बताऊं? ऐसे। आओ। मैं इस वक्त तुमसे कुछ बात करने आया हूँ तारा। जरूर, लेकिन पहले बताओ कि पियोगे क्या? कुछ नहीं, पहले तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो ना। क्या बात है देवदास, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, इतना ठीक तो मैं शायद जमाने से नहीं था। तारा, मैं समझ गया हूं कि मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं जज्बाती है। अगर मैं अपने आप को मायूसी और नाउम्मीदी के अंधेरों से बाहर निकाल सकूं तो मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, फिर चल सकता हूं। तुम ठीक कह रहे हो देवदास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उसके लिए मुझे दुनिया की किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके मुझे इस व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। तुम मेरी मोहब्बत की दुनिया को आबाद करके मुझे इस व्हीलचेयर से उठा सकती हो तारा? ये तुम क्या कह रहे हो देवदास? हाँ तारा, तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। कल रात भर जैसे कोई मेरे कानों में कहता रहा कि अगर तारा तुझे हिम्मत दे, तारा तुझे हौसला दे, अगर तारा चाहे तो फिर उठ सकता है, तो फिर चल सकता है। हाँ तुम चलोगे, मैं तुम्हें हौसला दूंगी, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी, तुम चल सकती हो देवदास। हाँ तारा तुमसे कह रही है, उठ जाओ, उठो देवदास। मगर 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 कैसे? मेरी बात सुनो, अपने ऊपर यकीन करो, तुम उठ सकते हो। उठो देवदास, उठो। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई खटपटिया नहीं चाहिए, कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए तारा। आ गया हूँ देवदास, और आ गया। मैं आ रहा हूँ तारा। आई एम कमिंग। माय गॉड, मैं चल रहा हूँ तारा, मैं चल सकता हूँ तारा। वेल डन देवदास, वेल डन। कांग्रेचुलेशन देवदास। देखा मिस तारा जयसिंह, देखा? आप लोग देवदास, ये लोग जीनियस हैं। देखो इन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन लेकिन मैं तो खुद ही। तुम्हें पता है
इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि शायद आज तुम यहाँ आओगी, और अगर आए तो जरूर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे। मगर आप लोगों को ये कैसे पता चला डॉक्टर? हम अपने मरीजों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, हम जानते हैं कौन कैसे कब ठीक होगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, लेट्स सेलिब्रेट। चैंपियन। वो रखिए। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। आई एम सो हैप्पी। क्या बात है दीपा, तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे जितना तुम्हें होना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। बात को समझो, इस बेचारे ने इतने दिनों तक अपने गम को छुपाए रखा, अभी अपनी खुशी को छुपा रहा है, वरना इसका दिल मारे खुशी के यही कह रहा है। मेरी जवानी के जमाने का मशहूर गीत है, शायद सुनाओ, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। इस वक्त इसके मन में खुशी का एक तूफान मच रहा है, ये हमारी खुशी के बेहोश भी हो सकता है, बेहोश हो जाएगा। यू आर राइट डॉक्टर, मैं इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा। इस खुशी में कि तुम अपने पाप पर खड़े हो गए हो और तुम हम सबको अब चलते दिखाई दोगे। चीयर्स डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर चारीबुटी। चीयर्स दीपा। चीयर्स। देवदास, देवदास, क्या हुआ देवदास? देवदास, डॉक्टर क्या हो गया इसे? अरे बेहोश हो गया। चीयर्स। लेकिन ये बेहोश क्यों हो गया डॉक्टर खटपटिया? मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इसके अंदर एक खुशी का तूफान मचा हुआ है, ये बेहोश भी हो सकता है। और ये हुआ? यस डॉक्टर, यू आर अ जीनियस।